आज हम नवीन ग्रह विज्ञान कक्षा 11वीं से पहला पाठ पढ़ेंगे। विषय है कोशा संरचना। ये आपकी बुक है, नई कोर्स बदल चुका है जो, और ये आपका पूरा विषय सूची है जिसमें कोशा संरचना, अस्थि संस्थान, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, प्राथमिक चिकित्सा, पट्टियों के प्रकार और उपयोग दिया है। ये सब आपका कोर्स में है। अब हम आज पढ़ेंगे पाठ एक में सेल स्ट्रक्चर, कोशा। मानव शरीर एक मकान की तरह है। जिस प्रकार मकान बहुत ही छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटी छोटी सजीव ईंटों का बना होता है, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। क्रमशः कोशाओं के मिलने से ऊतक, टिश्यू, अंग, अंग तंत्र तथा शरीर का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर को एक निश्चित आकार मिलता है। मांस, हड्डियां, त्वचा आदि इन्हीं सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। अतः हमारी समस्त क्रियाएं, पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन तथा प्रजनन भी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं तथा घटनाओं का फल है। इसलिए कोशिका एक आवरण से घिरी जीव द्रव्य से बनी संरचना कोशिका होती है, जो प्राणी के शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका को नाम दिया। कोशिका की परिभाषा है, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मटेरियल इन द बॉडी कैपेबल ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट एक्सटेंस। हिंदी में भी अगर आप चाहें तो मैं बोल रही हूँ, कोशिका जीव पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होती है। अतः मानव शरीर में अनेक सजीव कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्वतंत्र रूप से जीवन धारण करने की क्षमता होती है। अब है संतान उत्पत्ति। प्रत्येक कोशिका में स्वयं विभाजन की क्षमता होती है। पांचवा है उत्सर्जन। शरीर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो निकृष्ट या व्यर्थ पदार्थ बनते हैं तो उन्हें रक्त द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। गति, जीवित प्राणियों में निहित शक्तियों द्वारा गति होती है। निहित शक्तियों के आधार पर उठने, बैठने, चलना, फिरना, दौड़ना आदि क्रियाएं होती हैं। श्वसन, श्वसन क्रिया सजीव प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिससे जैविक ऊर्जा ATP बनती है। निर्जीव पदार्थों को ज्वलन क्रिया नहीं होती है। फिर मृत्यु, सजीव प्राणियों की मृत्यु निश्चित ही होती है। जब शरीर के समस्त अंग शिथिल हो जाते हैं और अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, तभी सजीव प्राणियों की मृत्यु घोषित हो जाती है। अब है कोशिका की सूक्ष्मदर्शी संरचना, जिसे हम माइक्रोस्कोप के से देख सकते हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे बताया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का ये कोशिका की संरचना बताई है। तो इसमें दिया है, ऊपर डॉट डॉट बना हुआ है जो कोशिका की झिल्ली कला है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो अंडाकार के बताए गए हैं स्ट्रक्चर, ये है कॉन्ड्रियोसोम। फिर थोड़े से लक्षेदार में बताया गया है तो ये है गोल्जी बॉडी। हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उसमें गोल्जी बॉडी पाई जाती है। फिर पिनोसाइटिक वेसल्स, इसी में ही बाजू बाजू में जो किनारे में दी हुई है डॉट डॉट जैसे, उसको हम पिनोसाइटिक वेसल्स कहते हैं। सेंट्रोसोम, ये एकदम बीचों बीच माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पाया जाता है, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। फिर धानी, एकदम खाली गोले के आकार का बना हुआ है ये, इसको वैक्यूल धानी बोलते हैं। फिर केंद्रक, न्यूक्लियस, एकदम बीचों बीच पाया जाता है एक बड़ा सा, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज बॉडी सभी पाई जाती हुई। केंद्रिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियस भी केंद्रिका पाई जाती है। अंतर्द्रवालिका, इसमें एक लसी का समान एकदम पतला द्रव जो होता है उसे अंतर्द्रव जालिका बोलते हैं। इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। और फिर है राइजोसोम, फिर लाइसोसोम,
इसकी पूरी संरचना हम बच्चों इसमें कोशिका संरक्षण के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे कि गृह विज्ञान में आकृतियों के कितने प्रकार होते हैं। गृह विज्ञान में आकृतियों के इसमें कोशिकाओं के आकार जो होते हैं वो होती हैं पहली चपटी, लंबी, गोल, विकृत तथा बहुतलीय। चपटी होती त्वचा की कोशिका चपटी होती है, स्नायु तंत्र की कोशिकाएं लंबी होती हैं, रक्त में गोल आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। विकृत जो होती है वो कोशिका आकृति दबकर विकृत सी हो जाती है और अपना रूप बहुतलीय बना लेती। कोशिका के अंग जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता। दूसरे में कोशिका कला है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक प्रकार का गाढ़ा अर्धपारदर्शक लसदार पदार्थ रहता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य का कोशिका में सूखते ही जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। जीव द्रव्य ही जीवन का प्राणाधार बेसिक लाइफ है। रासायनिक दृष्टि से जीव द्रव्य का 75% से 90% भाग जल होता है, H2O, और शेष भाग ठोस होता है। ठोस भाग भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 0.3, ऑक्सीजन 65%, फास्फोरस 1% एवं सल्फर या गंधक 25% आदि तत्वों से बने यौगिक चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड विटामिन। अलावा कुछ इनके अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थ न्यूक्लो प्रोटीन, विकर, विटामिन तथा हार्मोन्स भी जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। अब है कार्बनिक पदार्थों में सोडियम 15%, पोटेशियम 35%, मैग्नीशियम 0.5, आयरन 84%, इनके यौगिक क्लोराइड, फास्फेट, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स के रूप में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य का स्वभाव क्षारीय या उदासी होता है। उपरोक्त में से किसी पदार्थ को अलग कर लेने पर उसमें सजीव के लक्षण नहीं होते हैं। अतः प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। इसको जीवन का वाहक, करियर ऑफ लाइफ मानते हैं। जीव द्रव्य संरचना के चार प्रकार के निलंबित कण होते हैं, जैसे ग्रेन्यूलर या दानेदार, फाइब्रोलर तंतुमय धागे के समान, जालिकावत रेटिकुलेट, कूपिकावत एलोवेलर, जिन्हें क्रमशः DNA तथा RNA कहते हैं। अब जीव द्रव्य के गुण। जीव द्रव्य में कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। दूसरा, जीव द्रव्य की संरचना निरंतर बदलती रहती है। तीसरा, जीव द्रव्य सदैव जैविक क्रियाओं को प्रेरित करता है। जीव द्रव्य कोशिका कला से बाहर आने पर मृत हो जाता है। अब है जीव द्रव्य की संरचना, जैसे इसमें बताया है, आप स्ट्रक्चर देखिए, गोल्जी उपकरण, ये बीच में जो गोल्जी बॉडी हमने अभी सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा उसकी ये सूक्ष्म रचना बताई है, इसको गोल्जी उपकरण बताया गया। फिर इसी में जो चिकना पदार्थ हमने अभी पढ़ाया, रस लसदार वाला पदार्थ, उसको चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में पाई जाती है अंदर। केंद्रकीय झिल्ली, ये सेंटर में एकदम बीचों बीच पाई जाती, जो हमने अभी बताया था न्यूक्लियस, उसके पास केंद्रीय झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली ये कोशिका के एकदम बाजू से लेयर चलती है। फिर तारक केंद्र, तारक केंद्र ये छोटा सा यहाँ बीचों बीच पाया जाता है गोल्जी बॉडी के नीचे। लाइसोसोम एक गोल आकार का होता है। राइबोसोम ये जो एक लाइनिंग लाइनिंग जैसी रेसिस जैसे होते हैं, लंबी लंबी इनके आकार होते हैं, ये राइबोसोम कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये सेंटर के पास पाया जाता है। फिर खुरदरी एवं अंतर्द्रव्यीय जालिका, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाजू से ही एक अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है। कोशिका द्रव,
कोशिका द्रव्य पूरी सेल बॉडी के अंदर कोशिका द्रव जो होता है वह फैला हुआ होता है। आगे बढ़ेंगे नाभिक कलाया केंद्रक जो बताया गया था हमने इस लेक्चर में, उसका पूरा ये विवरण बताया गया है। कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म अंगक बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पानी के कारण कोशिका द्रव्य अर्धपारदर्शी तथा गाढ़ा सा दिखाई देता है। अब है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में कोशिका की संरचना, जो 1932 में नाल एंड्रस्क द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उपलब्धि के कोशिका की रचना का विवरण बताया है। कोशिका भीतर पाए जाने वाले ऑर्गेन्स कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है, जो है बाह्य केंद्रक क्षेत्र और केंद्रक क्षेत्र। बाह्य केंद्रक क्षेत्र में है कोशिका कला, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, रिक्तिकाएं, लवक, अंतरसीय जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, जो हम पिछले स्ट्रक्चर में हम ये सब पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा कला, इसे कोशिका कला कहते हैं। यह कोशिका का बाह्य आवरण होता है। यह प्रोटीन की बनी एक दोहरी परत होती है, जिसके बीच वसा लिपिड के अणु दो परतों में जमा होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम बता नीचे देखिएगा आप ध्यान से तो आपको समझ आता है। ये प्रोटीन की बाह्य परत, वसा की दोहरी परत प्रोटीन की आंतरिक परत। यह एक वर्णात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। यह कला केवल उन्हीं पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने देगी जिन्हें कोशिका आवश्यक